नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम शुक्ला और आज हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के रिव्यू टैब के बारे में। जैसा कि आपके सामने इसका रिव्यू टैब खुला हुआ है और यहां पर इन पे ये सारे ग्रुप्स हैं इसके, एक एक करके मैं देखता हूं। यहां पर सबसे पहले प्रूफिंग ग्रुप होता है और इसमें सबसे पहला ऑप्शन देखा जाए तो स्पेलिंग एंड ग्रामर का होता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर से क्वेश्चन बनता है, जैसे कंप्यूटर रिलेटेड परीक्षाएं जो भी होती हैं, जैसे कि ट्रिपल सी है, ओ लेवल है, इनमें अक्सर पूछा जाता है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट की क्या होता है, तो F7 होता है। और इसको देख लेते हैं कैसे हम चेक करते हैं। जैसे कोई वर्ड टाइप किया हुआ है हमने, जैसे मान लिया यहाँ पर नाइस टाइप किया है और इसकी जरा हम स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं शिफ्ट से लगा कि इसको, अगर आपको दिख ना रहा हो तो मैं कैपिटल लेटर कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, और इस तरीके से यहाँ पर आते हैं स्पेलिंग ग्रामर पे, जरा चेक कराते हैं इसको। देखिए यहाँ पर आप ये गलत बता रहा है और यहाँ पर इसका करेक्ट होकर के ये आ रहा है। हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं इस तरीके से और क्लोज कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। फिर बात करें रिसर्च की, रिसर्च होता है थीजर्स एंड ट्रांसलेशन के लिए। जब हम इस थीजर्स एंड ट्रांसलेशन ऑन करते हैं, सॉरी ट्रांसलेट, तो यहाँ पर साइड में एक पेन ओपन हो जाता है। जैसे थीजर्स पर अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर पेन ओपन हो चुका है रिसर्च नाम का, और यहाँ पर हम कुछ भी किसी भी वर्ड से रिलेटेड उससे सिनोनिम्स प्राप्त कर सकते हैं थिसोरस के थ्रू। अगर हम ट्रांसलेट पे क्लिक करते हैं तो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं कोई भी वर्ड। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा है कि इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है और यहाँ पर साउथ अफ्रीकन, तो फिर यहाँ पर चूँकि इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, नहीं तो नाइस को साउथ अफ्रीका में क्या कहते हैं वो यहाँ पर ट्रांसलेट होकर के आ जाता। फिर बात करें ट्रांसलेशन टिप हैं, जो यहाँ पर बहुत सारे टिप्स, जैसे कि मान लीजिए किस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर बात करें सेट लैंग्वेज, जैसे कि लैंग्वेज अभी हमारी यहाँ पर इंग्लिश सेट है, हम चाहें तो यहाँ पर दूसरी भी सेट कर सकते हैं जिसकी हमें स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करानी हो। सेट लैंग्वेज पर जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर ओपन हो जा और ये या देखिए यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज ओपन हो चुकी हैं। जिस लैंग्वेज का हमें स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कराना हो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसको चाहे तो जैसे यहाँ पर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट लगा है, कोई भी लैंग्वेज हम सेलेक्ट करके और उसकी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करा सकते हैं। खैर ये तो बात हुई। बात करें फिर वर्ड काउंट की, देखिए वर्ड काउंट में अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ही वर्ड लिखा हुआ है, एक पेज है, वर्ड एक ही है, चार करेक्टर्स हैं, नो स्पेस हैं, विद स्पेस अगर देखा जाए चार ही हैं, और पैराग्राफ्स ये यहाँ पर एक ही है, लाइन एक ही है। अगर हम इसमें थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, चलिए कुछ टाइप कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी कुछ लिख चुका है, और अब अगर हम वर्ड काउंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए दो पेज आ चुके हैं, वर्ड इतने हैं, कैरेक्टर इतने हैं। तो यहाँ पर वर्ड काउंट का प्रयोग होता है, वर्ड काउंट करने के लिए करते हैं न्यू कमेंट। जैसे कि किसी भी पैराग्राफ से रिलेटेड कोई भी कमेंट देनी है, न्यू कमेंट पे जब क्लिक करते हैं यहाँ पर कोई भी कमेंट दे सकते हैं, जैसे कि लिख सकते हैं इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, ठीक इस तरीके से हमने कोई कमेंट दे दी इस पर। फिर बात करें नया कोई एक सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस पर भी हम मान लिया कमेंट लगा देते हैं कि नॉट इम्पॉर्टेंट, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो आप, जो भी मर्जी हो जिससे रिलेटेड हो। फिर देखिए यहाँ पर आता है प्रीवियस नेक्स्ट, जैसे कि अगर हम यहाँ पर हैं तो ये प्रीवियस पे जब क्लिक करते हैं तो चूँकि यहाँ पर प्रीवियस पहले से नहीं है तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, देखिए अब यहाँ पर आ चुके हैं। अगर प्रीवियस पे क्लिक करते हैं फिर पिछले पे ले जाते हैं। प्रीवियस नेक्स्ट मतलब आगे पीछे जाने के लिए, डिलीट मतलब किसी को कमेंट को हम चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे कि इस पे जो ये कमेंट है इसको हम चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं और जा करके डिलीट, देखिए अब यहाँ से कमेंट हट चुकी है, ठीक। फिर इसके बाद हम कहें ट्रैक चेंजेस, ट्रैक चेंजेस क्या होता है, बेसिकली हमारा डॉक्यूमेंट जैसे कि हमने कुछ कहीं पर भी हमने कुछ कोई काम कर रहे थे और हमने छोड़ दिया, ट्रैक चेंजेस लेकिन ऑन करते हैं ताकि अगर कोई इसमें कोई चेंजेस कर दे बाद में तो हम जान पाएँ। ट्रैक चेंजेस का शॉर्टकट की कंट्रोल से प्लस ई और ट्रैक चेंजेस ऑन करते हैं यहाँ से। अब हम देखते हैं कुछ चेंजेस करके यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए ये है, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और डिलीट कर देता हूँ। ये यहाँ पर देखिए कि जो ट्रैक हमने चेंज किया इसका, इससे रिलेटेड एक हमको बैलून शो कराता है, ये बैलून बोल सकते हो ये जो साइड में होते हैं, क्योंकि देखिए इसमें यहाँ पर एक गुब्बारे जैसी आकृति अगर मानना चाहें तो मान सकते हैं, और ये धागे जैसी, ठीक, तो ये भी एक प्रकार का बैलून है। आगे जो इसका ऑप्शन है बैलून उसी से रिलेटेड, ठीक। तो ये हमने डिलीट किया है तो यहाँ पर शो कर रहा है डिलीटेड व्हेन यू आर क्रिएट पिक्चर्स, ठीक। फिर उसके बाद में अगर बात करें हम मान लिया कि दूसरा एक कमेंट लगा सकते हैं यहाँ पर, मान लिया इस पर कमेंट दी, ठीक, तो ये भी ट्रैक चेंजेस के थ्रू इसमें काउंट हो जाएगा, ट्रैक चेंजेस में ये सारी चीज़ें काउंट हो जाएंगी। फिर बैलून्स क्या होता है कि जैसे बैलून पर क्लिक करते हैं, सो रिविजन्स इन बैलून, जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो सारे रिविजन बैलून्स के रूप में शो हों। अगर इसको हटा करके हम सो ऑल रिविजन इन लाइन, मतलब कि लाइन में ही शो हों, बैलून्स हट जाएँ, तो देखिए कि बैलून सारे हट चुके हैं और लाइन्स में ही सारा कुछ शो हो रहा है जो हमने चेंजेस किया था, जो हमने डिलीट किया था वो इस तरीके से स्ट्राइक थ्रू की तरह जो है हमको दिखता है। फिर हम बात करें कि शो ओनली कमेंट्स इन फॉर्मेट,
केवल कमेंट्स ही कमेंट्स दिखें, हमने डिलीट किया हुआ जो इसका बैलून नज़र आ रहा था वो अब देखिए नज़र नहीं आ रहा है और कमेंट्स का ही बैलून नज़र आ रहा है। फिर बात करें फाइनल शोइंग मार्क, फाइनल शोइंग मार्क मतलब क्या होता है कि जैसा भी हमारा फाइनली कैसा शो हो रहा है मार्कअप के सहित, मार्कअप मतलब ये सारी जो मार्कअप हमने लगाए हैं ये मार्कअप हैं, तो ये पहले से लगा हुआ। अगर हम फाइनल पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो फॉर्मल सॉरी फाइनल के रूप में आ चुका है, लेकिन सारे जो हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई किए थे वो सारी हट चुकी हैं। अगर हम यहीं पर ओरिजिनल शोइंग मार्कअप मतलब पिक्चर हमारी सॉरी जो पेज है वो जो है ओरिजिनल रहे और बाकी हमारी जो कमेंट्स हैं वो सारी दिखते रहें, तो यहाँ पर ओरिजिनल शोइंग मार्कअप और ओरिजिनल पर क्लिक करते हैं तो सारा कुछ हट जाएगा, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह हमारा डॉक्यूमेंट दिखेगा। फिर शो मार्कअप क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम कमेंट्स जैसे यहाँ पर जब हम लगा हुआ था सॉरी यहाँ पर इसको फिर से लगा देते हैं फाइनल शोइंग मार्कअप पे, और देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं इनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं शो मार्कअप पे जाते हैं। अगर हम कमेंट हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, ठीक, कमेंट यहाँ से हट चुकी हैं, अगर लगाना चाहें तो लग सकती हैं, ठीक, और भी चीज़ें हटा सकते हो, फॉर्मेटिंग हटा सकते हो, अगर कोई हमने फॉर्मेटिंग करी होती किसी वर्ड पे रिलेटेड, किसी भी वर्ड की कुछ चेंज करना जैसे कि ये, और इसको हम जा करके इंसर्ट में गए और सॉरी होम में गए और बोल्ड कर दिया, ठीक, और यहाँ पर आते हैं फिर से रिव्यू में, देखिए रिव्यू शो मार्कअप फॉर्मेटिंग, अब यहाँ पर फॉर्मेटिंग से भी रिलेटेड एक कमेंट शो कर रही है। अगर हम यहाँ पर शो मार्कअप में लगा हुआ है अगर इसको हम हटा दें तो इसकी कमेंट हट जाती है, ठीक। रिव्यूइंग पेन क्या होता है, रिव्यूइंग पेन में जो भी हमने यहाँ पर चेंजेस किए हैं उसका एक पेन इंसर्ट हो जाएगा, पेन मतलब कि एक इस तरीके से वर्टिकल आ जाएगा या फिर हॉरिजॉन्टल। देखिए यहाँ पर क्लिक करते हैं रिव्यूइंग पेन वर्टिकल, यहाँ पर जो पेन है वो वर्टिकली दिख रहा है, अगर हम यही को हॉरिजॉन्टल कर देते हैं तो देखिए डाउन में दिख रहा है इस तरीके से, ठीक, तो हम जिस चाहें उस तरीके से देख सकते हैं, अगर हमें नहीं देखना है तो यहाँ से काट देते हैं, ठीक। एक्सेप्ट और रिजेक्ट क्या है, जैसे कि हम यहाँ पर हैं अगर हम चाहते हैं कि ये कमेंट हमें एक्सेप्ट करें तो एक्सेप्ट पे क्लिक कर देते हैं तो ये कमेंट एक्सेप्ट हो जाती है, और अगर हम चाहते हैं चेंजेस के बाद जो भी चीज़ें करते हैं उनको अगर एक्सेप्ट करना चाहें तो करें, नहीं तो रिजेक्ट कर सकते हैं, जैसे इसको रिजेक्ट कर देते हैं तो ये रिजेक्ट हो जाती है, ठीक। फिर उसके बाद में जैसे प्रीवियस नेक्स्ट मतलब कि हम जो भी चीज़ें हैं रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर रहे हैं मैं प्रीवियस पे जा सकते हैं, देखिए यहाँ पर डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग फॉर द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, क्योंकि यहाँ पर एक ही कमेंट पड़ी हुई थी इसलिए एंड पे जाने कह रहा है, ठीक। नेक्स्ट के थ्रू हम अगले पे जा सकते हैं। कंपेयर क्या है, किसी भी डॉक्यूमेंट को आपस में कंपेयर कराना, जैसे कि कंपेयर पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, यहाँ से मान लिया CCCQ इस तरीके से है, और यहाँ पर भी हमने कोई सेलेक्ट कर लिया है, ये टेस्ट है एक, और आ जा देखिए दोस्तों यहाँ पर खुल के आ चुका है हमारा डॉक्यूमेंट्स, लेकिन यहाँ पर अभी क्या है एक ही शो कर रहा है, हमने दो सेलेक्ट करे थे, यहाँ पर जाते हैं शो सोर्स डॉक्यूमेंट पे, और यहाँ पर अभी हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट है, हम शो बोथ कर देते हैं, देखिए यहाँ पर दोनों ही खुल के आ जाएंगे इस तरीके से, और उनको हम आपस में कंपेयर करा सकते हैं। फिर बाद में सबसे लास्ट ऑप्शन बचता है, इसको भी जरा हम कट कर देते हैं, और यहाँ पर बचता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, मान लिया हम डॉक्यूमेंट में कुछ चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई बदलाव ना कोई कर पाए, हम ही करें तो करें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं अपना डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट कर लेते हैं, रेस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग, तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मेटिंग रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, रेस्ट्रिक्शन मतलब होता है कि प्रतिबंधित करना, और एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन मतलब कोई एडिट भी ना कर पाए, और इस तरीके से यस करा करके यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। यहाँ पर हम पासवर्ड भी कोई सेट कर सकते हैं, मान लिया कि हमने 1 2 3 4 5 सेट कर दिया है, आप कोई भी सेट कर सकते हो 1 2 3 4 5 और ओके कर देते हैं, अब हमारा डॉक्यूमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो चुका है, ओके। देखिए कहीं पर भी एडिट नहीं हो पा रहा है, नाउ इट्स कंप्लीटेड रिव्यू टैब, और आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।